नमस्कार, एबी न्यूज देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ कुमल। राजधानी पटना के रेजेंट सिनेमा हॉल से नोकझोंक की खबर सामने निकल कर आ रही है। जानकारी के मुताबिक रेजेंट सिनेमा हॉल के कर्मचारी और असमाप्त तत्वों के बीच नोकझोंक हुई है। बता दें, रेजेंट सिनेमा हॉल के प्रबंधन ने बड़ा आरोप लगाया है। रेजेंट सिनेमा हॉल के प्रबंधन ने कहा है कि असमाजिक तत्वों ने नोकझोंक के बाद बात की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की तफ्तीश में जुटी है। बता दें, रेजेंट सिनेमा हॉल प्रबंधन का कहना है कि असामाजिक तत्व लगातार रेजेंट सिनेमा के बाहर ब्लैक में टिकट बेचने का दबाव बना रहे थे, जिसको लेकर दोनों के बीच हुई है, जिसके बाद देर रात असामाजिक तत्वों ने बॉम्ब फेंका है। सिनेमा हॉल में फेंकी गई संदिग्ध वस्तु को पुलिस ने पानी में डालकर नाकाम कर दिया है। गार्ड से कुछ बहस हुई थी, बहस के दौरान गार्ड ने सेफ्टी के लिए शटर डाउन किया। शटर डाउन करने के बाद क्या हुआ कि हम उधर से आए तब तक देखे कि उधर से बम गिरा। उनको नहीं पता था कि ये बम है। तुरंत हमने अभी गांधी मैदान थाना के जो सब इंस्पेक्टर प्रमोद जी यदि कल वो नहीं रहते घटना बड़ी हो सकती थी। तुरंत मैंने उनको सूचना दिया और वे तो राजगुरु जहाँ निरीक्षण करने के लिए आते हैं अपने क्षेत्र में, तो तुरंत सूचना दिए तो गेट से बाहर के भाग के देखे तो बोले कि बम है, आप लोग दूर हट जाइए। फिर उन्होंने बम को डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद फिर उन्होंने अपने पदाधिकारी को सूचना दिया सर गांधी मैदान उनके ऊपर भी बम फेंका गया था। नहीं, उनके ऊपर फेंका नहीं गया था, वो देख रहे थे कि कौन किधर से बम आया, तब तक उनके आगे ही बम पटक दिया। तो फेंका गया उन्हीं के ऊपर ना? नहीं, उनके ऊपर नहीं फेंका गया था। उस लोग ने आया, दो आदमी था और बकवास करने लगा। उसके बाद बकवास करने के बाद पूरा झड़प दोनों बोलचाल हुआ। उसके बाद वो लोग थोड़े देरी के बाद आया और उसके बाद कम। कितने लोग आया था? दो आदमी। क्या बोल रहा था? क्या बोलने लगा? वो बकवास दोनों उधर से आया और हमको चाल किया। चाल करने के बाद वो बोले क्या बात है, हमारा इंटरवल का टाइम है, हम अपना सदर बंद कर रहे हैं, समझे ना। वो दोनों लोग लगातार बोला, बकवास करने लगा हमसे और उसके बाद उधर से आया तो उधर आगे बढ़ गया। मेरा स्टाफ एक आया तो उसको गाली देने लगा, समझे ना। उधर से औरत लोग भीड़ लगा दिया पूरा, क्या हुआ मैटर, क्या हुआ मैटर। उसके बाद वो लोग चला गया गाड़ी का कॉल करके। उसके बाद थोड़ी देरी के बाद मेरा इंटरवल था और शटर हम खोले, समझे ना। उधर से मैनेजर साहब मेरा आ रहे थे, बम फेंका जो बम फूटता तो मैनेजर साहब भी जाते। और पुलिस कितने देर में आई? पुलिस उसके बाद थोड़ा देरी के बाद पुलिस पे भी बम फेंका है क्या? वो पुलिस बम वहाँ पर फेंका था गली में, तो फूटा नहीं था वो बम, फूटा यहाँ वाला बम। शराब के नशे में थे क्या ये लोग सब? और दोनों आदमी दारू पी रहे। क्या बोल रहे थे, जिस प्रकार से बहस कर रहे थे, क्या बोल रहे थे कि हम टिकट यहाँ सिनेमा हॉल में ब्लैक टिकट बेचने की मांग कर रहे थे? हाँ, बोले तो बोले कि यहाँ तो ब्लैक होता नहीं, बोले कि यहाँ ब्लैक होता है, कहीं यहाँ नहीं होता ब्लैक। वो चाह रहे थे कि ब्लैक करें हम लोग। हाँ, वो लोग वही इच्छा है ना, जिसे बोला कि ब्लैक होता है, कहीं मेरे यहाँ ब्लैक नहीं होता है, तो आपके यहाँ होता है? तो नहीं, मेरे यहाँ तो ब्लैक होता नहीं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिशुपाल कुमार। कल रात में करीब 11 बजे दो तीन लोग शराब के नशे में आए और हमारा जो मेन गेट पे गार्ड रहता है जी, उसके साथ बोलने लगे कि हम लोगों को भीड़ है, हम लोग के दो पैसा कमाते ब्लैक मार्केटिंग करके। मेरे गार्ड ने कहा कि ब्लैक मार्केटिंग हमारे यहाँ पे एकदम नहीं होता है और ना हम लोग होने देते हैं। उसके बाद वो बात करके चले गए। गार्ड वहाँ से आया और यहाँ शटर गिरा दिया, आधा शटर गिराया था। तब तक वो लोग इधर उत्तर की तरफ से जो गली है उसको आप देख लें, बाकरगंज नहीं है, ये मोना सिनेमा के पीछे की गली है, इधर से ये लोग आए, नशे में धुत थे और उन्होंने हाथ में कुछ लिया हुआ था, उसको इन्होंने एकदम सामने से यहाँ से फेंका इस शटर के ऊपर। गनीमत ये है कि वो बम था जो फूटा नहीं और वो शटर से टकरा के गिर गया और वो लोग भी गिर गए, इतने नशे में धुत थे। उसके बाद तुरंत हमारे लोगों ने गांधी मैदान थाना को सूचित किया, वहाँ के एसआई हैं प्रमोद जी, वो आ गए। प्रमोद जी आए तो प्रमोद जी इधर गली की तरफ भागे, तो वो लोग क्या किए, प्रमोद जी को देख करके उनके सामने भी एक बम पटक दिए, वो ब्लास्ट हुआ। ये वाला बम तो ब्लास्ट नहीं हुआ था लेकिन यहाँ शटर के आगे गिरा हुआ था, उसको प्रमोद जी ने देखा और बोला करे ये तो बहुत घातक बम है यहाँ पे। फिर उन्होंने उसको पैर से मार के हटाया और नाला में गिरा दिया।
जितने लोग बस उतने लोग थे, बस उनका एक ही जेद था कि हम कालाबाजारी करेंगे और आप हमको रोक नहीं सकते। और यही उनको समझाया जा रहा था कि आपको कालाबाजारी करने का परमिशन नहीं हम लोग दे सकते हैं, हमारे यहाँ कालाबाजारी बिल्कुल नहीं होता है। सर कितने की संख्या में थे और नहीं लग लोग थे, पुलिस के ऊपर उन्होंने बम फेंका, पुलिस के ऊपर भी फेंक दिया। आगे बढ़े जब प्रमोद जी पकड़ने के लिए थाना के एसआई, उनके ऊपर भी फेंक दिया। घायल हुए कोई? घायल कोई नहीं हुए। पहला बम जो उन्होंने फेंका वो यहाँ फेंका शटर पे, वो तो यहीं गिर गया और वो लोग भी गिर गए यहाँ। सर सर नहीं लगता है कि थाने से बगल में रिजेंट सिनेमा हॉल है? यहाँ तो दो थाना है, कैंपस मेरा जो है वो गानी बजाने पड़ता है और बिल्डिंग जो है वो पीरबोहर में है। तो अभी मैं पीरबोहर में जा रहा हूँ एफआईआर कराने के ऊपर और सामाजिक तत्वों के ऊपर। सीसीटीवी में सारा कुछ कैद है, वो लोग का सारा फोटो कहाँ फेंक रहे हैं, कहाँ गिरे हैं, सब कुछ हमारे यहाँ सीसीटीवी में दिख सकता है। ठीक है। मेरा नाम सुमन कुमार सिन्हा हुआ और हम लोग हमारे स्टाफ लोग एकदम क्लियर हैं कि जो असामाजिक तत्व हैं उनको हम किसी भी तरह से यहाँ प्रश्रय नहीं दे सकते। धन्यवाद आपका। ऐसे तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहे एबी न्यूज़।